नमस्ते, मेरा नाम कविता जागीरदार है और मेरे साथ है झाकिर होनोटगी सर और सभी वोटर्स के प्रशांत सर। आज मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि 25 तारीख को मोहम्मद रफ़ी जी के बेटे शाहिद रफ़ी जी विजापुर में पहली बार आ रहे हैं, तो कंदगल हनुमंत राय रंग मंदिर में शाम ठीक 5:30 बजे आप सब लोग उपस्थित रहिए और इस कार्यक्रम का लाभ उठाइए। पुराने गाने इन गानों के तो हर कोई दीवाने रहते हैं, जैसे कि बोलते हैं ना, पुराने गाने मीन्स दवा की तरह काम करते हैं। अगर हम कभी स्ट्रेस में रहेंगे और थकान रहेगा तो रफ़ी जी, लता जी, आशा जी, किशोर कुमार जी, मुकेश जी, ऐसे पुराने गाने इनके सुनते हैं तो एकदम मन शांत होता है और सुकून सा लगता है। तो इस कार्यक्रम का सभी लोग लाभ उठाइए और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आइए। आप सबका ये देखिए, बहुत लोग आएंगे, हर बार से भी इस बार कम से कम 4-5 मीन्स इस लेवल और ज़्यादा आएंगे लोग। मोहम्मद रफ़ी तू बहुत याद आया, ये सीज़न मेरा 4th है। बोले तो क्या है, सीज़न हमेशा एक ही करना ऐसा नहीं रखा है, मैं सबके करती हूँ, सब सिंगर्स के करती हूँ, वैसा करेंगे तो 4th सीज़न रहेगा। विजापुर में बहुत सारे फैन फॉलोअर्स हैं और सभी लोग मीन्स बहुत दिनों से मुझको बोल रहे थे, मैडम आप इतने प्रोग्राम्स करते हो, यहाँ वहाँ जाते हो, तो वो हमारे लिए मसीहा है। कितने लोग तो मुझको बोलते हैं, सुबह उठ के पहले रफ़ी जी के फ़ोटो को वो लोग पूजा करते हैं, बाद में भगवान का पूजा करते हैं, फिर बाद में दिन की शुरुआत करते हैं। तो मुझे लगा इतना सब लोग चाहते हैं तो कोशिश करेंगे, तो वो ऊपर वाले ने कामयाब किया और रफ़ी जी 25 नवंबर को आने को राज़ी हुए। फ्री एंट्री है, लेकिन स्टार्टिंग के 4 सीट जो है हमारे गेस्ट लोगों के लिए रहते हैं, 4 लाइंस गेस्ट लोगों के लिए रहते हैं और फ्री एंट्री है, कोई भी आ सकता है। इस प्रोग्राम में गेस्ट कौन कौन हो सकते हैं? गेस्ट बोले तो देखो, हम सब बीजापुर के लोगों ने मिल के किया है तो हर कोई हमारे लिए गेस्ट के जैसे ही है, आदरणीय है, लेकिन फिर भी जिन्होंने अधिक मात्रा में ये किया है, हमको सहयोग दिया है, वो लोग गेस्ट रहेंगे। जैसे कि रफ़ी जी के बेटे शाहिद रफ़ी जी जो आ रहे हैं, उनके अलावा जो है और कोई ऐसे बड़े सिंगर हो सकते हैं जिनके गाने सुने को मिले? ये प्रोग्राम जो है रफ़ी जी के गानों का है, तो सब गाने रफ़ी जी के रहेंगे। शाहिद रफ़ी जी भी रफ़ी जी के सॉन्ग्स अपनी आवाज़ में गाएंगे, प्लस दूसरे सिंगर्स रहेंगे, लेडी सिंगर्स और 2 मेल सिंगर्स, सब लोग रफ़ी जी के गाने ही लेंगे। ये देखो, खर्चा तो बहुत बड़ा है, वही बोलती हूँ ना, मैं गई, उन्होंने डेट बताया, बड़ी मुश्किल से उनका डेट मिला, 2-3 बार यहाँ वहाँ हुआ था, फिर आखिर में सब सेट हुआ। तो सब ने मुझको यहाँ आने के बाद वही बोला, मैडम आपने एकदम बड़ा स्टेप कैसे क्या ले लिया करके। तो मुझे एक शेर याद आ रहा है, मैं तो निकली थी जानिब मंजिल, लोग आते रहे और कारवा बढ़ता रहा। ऐसे ही अलग अलग लोग मेरे साथ जुड़ते गए तो ये प्रोग्राम सेट करने में मुझे ज़्यादा मुश्किल नहीं हुआ। हमारे बीजापुर के लोग कलाकारों की बहुत कदर करते हैं और सब लोग आगे बढ़ के अपना अपना सहयोग देते हैं, इसीलिए मैं बहुत नसीबवान हूँ जो मैं बीजापुर की हूँ। एक सेलिब्रिटी सिंगर जब यहाँ पर बीजापुर आ रहे हैं तो लोकल जितने भी कलाकार या सिंगर हैं उनके भी अरमान होती है कि हम भी गाएं, तो आप क्या किसी एक कलाकार को वहाँ पर गाने के लिए मौका दे रहे हैं? किसी एक नहीं, 2 कलाकार हैं यहाँ के। तो देखो, गाने का सबको इंटरेस्ट रहता है, तो लेकिन प्रोग्राम का एक सिस्टम रहता है, एक रूल्स रेगुलेशन रहता है, उस मुताबिक हम लोग चलना चाहिए। और सभी लोग अच्छे सिंगर्स ही रहते हैं, लेकिन हर कोई तो हम लोग इसमें भाग नहीं ले सकते, तो एक दो सिंगर्स यहाँ के भी आते हैं। टाइमिंग है 5:30 to maximum 9, क्योंकि उनको भी जाना है, और कंदगल हनुमंत राय रंग मंदिर इवनिंग 5:30। मोहम्मद रफ़ी के फैमिली में और कोई आ रहा है क्या? उनके बेटे ही सिर्फ आ रहे हैं? उनके बेटे आ रहे हैं, बेटी, बहू, दामाद। ये देखो, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे क्या, ये बीजापुर मेरा परिवार है और हमारे परिवार में मेरा भाई, भाभी, बहन,
ऐसे आ रहे हैं, मुझे तो ये प्रोग्राम का फील ऐसा हो रहा है, ऐसा लग रहा ही नहीं है कोई ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम है, ऐसा कुछ मेरे को आ रहा नहीं है, फैमिली फंक्शन है, मेरे फैमिली मेंबर्स आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है। इससे पहले आप शायद इनसे मुलाकात हुई थी या पहली बार में ही आपसे बात? नहीं नहीं नहीं, हुआ था, मेरा मुलाकात हुआ था, लेकिन वो बिजी होने के कारण यहाँ आने का उनका डेट वगैरह नहीं मिल रहा था, तो आखिर अभी 4-5 months बैक एक प्रोग्राम को गई थी, तो देखा मैंने ऊपर वाले का नाम देखे मिलेंगे तो होएगा क्या, तो हुआ डेट फिक्स। तभी बोले तो इनवाइट किया है, अभी कौन कौन उस दिन आते हैं देखेंगे, क्योंकि वो लोग भी बिजी रहते हैं, तो उस दिन जब आएंगे तभी ही पता चलेगा। वही वही मैंने इनवाइट किया है, तो अभी बोलती हूँ ना, अभी उस दिन कौन कौन अवेलेबल रहते हैं, क्योंकि उनका भी अपना कहीं यहाँ वहाँ मीटिंग वगैरह रहता है, तो देखेंगे। खूबसूरत सुरेजी श्याम के चलते आप बीजापुर के लोगों को क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? बीजापुर के लोगों, सभी लोग आइए, ये प्रोग्राम जो है आपके लिए रखा गया है, क्योंकि सब लोग रफ़ी जी के गानों के दीवाने हैं, तो इस कार्यक्रम का लाभ उठाइए, और जो भी है आपके फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव्स हर किसी को बोलिए आके सब जन इस कार्यक्रम को एंजॉय कीजिए। जैसे कि मैडम आपने शाहिद रफी जी को जो है बीजापुर में इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए जो है दावत दी थी, तो इस पर उनका क्या रिएक्शन था, बीजापुर को आने को लेकर क्या उत्साहित थे या क्या कहना था? उत्साहित थे, उत्साहित थे, तो लेकिन एक्चुअली उनको कैसे था ये बीजापुर के बारे में मीन्स कहाँ है वो ये आइडिया नहीं था, तो उनको मैंने बोला है ऐसा है, लेकिन हमारा बीजापुर आपको बहुत चाहता है, आप सारे दुनिया में घूमे हो लेकिन बीजापुर के लोगों का प्यार अपनापन और आप पर जो चाहत है सबसे अलग है, तो बहुत खुश हुए वो, और बहुत सीधे साधे इंसान है, उन्होंने क्या ऐसा कुछ ये नहीं किया, रेडी हुए आने के लिए। मतलब आप जो प्रोग्राम कर रहे हैं इससे पहले भी किसी इस तरह की कोई बड़ी हस्ती को बुलाकर जो है प्रोग्राम किया है, पहली बार है? नहीं नहीं, ये पहली बार है, प्रोग्राम्स मैंने अलग अलग किए हैं, लेकिन इस तरह के बड़ी हस्ती पहली बार, और खुद मैं चाहती थी कि मैं पहले रफी जी से शुरुआत करूँ। इनके 11 सॉन्ग्स है, टोटल 26 सॉन्ग्स है, उसमें 11 सॉन्ग्स उनके हैं। और नए न्यूज़ों के लिए देखते रहिए अपना चैनल TV22 न्यूज़, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।